आपको जो एक एक दिख रहा है ना, एक एक के पीछे एक एक लाख आदमी है। अभी एक एक की पावर आ रही है, अभी खाप का एक एक प्रधान आ रहा है। जिस टाइम पूरी पब्लिक आएगी ना, यहाँ जगह नहीं बचेगी, पत्तों पे भी आदमी लटकेंगे। ये किसानों की हित की, खिलाड़ियों के हित की, मजदूर के हित की, जवान के हित की ये सरकार नहीं है। हर नीति इनकी जो जनता है उसके विरोध में इनकी नीति होती है। तो सबका साथ सबका साथ हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, उस सबके साथ में वो सब है कौन? अडानी को सब लोग माने हुए हैं क्या? अडानी के पेट भरने से पूरे देश का पेट तो नहीं भर जाएगा ना। भूषण जी ये सोच रहे होंगे पब्लिक कम है, ये पारा है, पारा जो उसके थर्मामीटर के अंदर होता है, एक एक आदमी पारा है। जैसे पारा हाथ से गिरा, एक में से चार मल्टीप्लाई पब्लिक होगी, कहाँ बिल्कुल होगी। अभी भूल में ना रहे ब्रजभूषण जी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। पहलवानों के साथ आपको बता दें, किसानों जो तमाम खाप पंचायतें हैं वो यहां पर लगातार दिल्ली में पहुंच रही है, और आने वाली 16 तारीख के लिए भी किसानों ने ये कह दिया है कि तमाम अलग अलग राज्यों से कई किसान और कई लोग पहलवानों के समर्थन में पहुंचने वाले हैं। तो 16 तारीख आने वाली बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग आने वाले। तो इसी बीच धरना प्रदर्शन के अलग अलग रूप भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये ताऊ जो है अपने हुक्के के साथ ही यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो ताऊ हुक्का नहीं छूटना चाहिए, नहीं, हुक्का नहीं छूटेगा। हुक्का तो 13 महीने आंदोलन रहा गाजीपुर बॉर्डर पुल के नीचे, पूरे 13 महीने हुक्का चला रात दिन। ये हुक्का तो चल रहा है, ये बताओ इंसाफ भी दिलवाओगे बेटियों को? इंसाफ दिलवाओगे, इंसाफ इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, मिलेगा। कैसे मिलेगा? यहाँ धरना देंगे और जो यहाँ तक काम चलेगा संसद में देंगे। अच्छा, तो क्या लगता है 23 तारीख से बैठी हुई है लगातार यहाँ पर? कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए ना, इन्हें खुद लेन देन है। महीने का तो एक्सपीरियंस आपने भी देख लिया, अभी तक किसान संगठन यहाँ पे आए नहीं। आज किसान संगठनों ने अपना यहाँ पे डेरा डाल लिया, तो अब 13 दिन नहीं मान रहे हम। लड़ाई जो शुरू होगी वो आज से लड़ाई शुरू होगी, हम नहीं मानते उस 13 दिन से। आज संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी संगठन है सबने यहाँ पे डेरा डाल लिया। जो भी हाई कमान का आदेश मिलेगा उसी के आदेश पे हम काम करेंगे। और यहाँ ओक्का की चिलम से तो हम ही भर के जावांगे, इनका दम ओक्का का है ना, जो जोर वो दिखा के जावांगे। क्योंकि ओक्का पीवन की खातर छाती में जोर चाहिए हुआ है, और वह छाती का जोर आड़े वह पहलवाना के वंशज वह आड़े ही भाई हैं। दाऊ चिलम सी भर के जावांगे, इस सरकार की चिलम सी भरने का मतलब सरकार की चिलम भर के जाएंगे। हाँ दाऊ, हाँ जी हाँ, इस सरकार की चिलम भर के जावांगे, क्योंकि यह सरकार इंसाफ कौन देने लग रही, इंसाफ कौन देने लग रही, इंसाफ लेके जावांगे बेटियों के। पहलवान पटकर नहीं देने खातर आए हैं इस सरकार ने। तो क्या लगता है इंसाफ मिलेगा बेटियों को? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने पड़ेगा। ये इस कौम का इतिहास है, इस सरकार की नाड़ में सरिया, वो सरिया काट के जाओगे मैम। हाँ क्या कुछ कहना चाह रही हूँ? कहना चाह रही हूँ आपको जो एक एक दिख रहा है ना, एक एक के पीछे एक एक लाख आदमी है। अभी एक एक की पावर आ रही है, अभी खाप का एक एक प्रधान आ रहा है। जिस टाइम पूरी पब्लिक आएगी ना, यहाँ जगह नहीं बचेगी, पत्तों पे भी आदमी लटकेंगे। तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है? क्योंकि अब जो है कई लोग जो है एक जन सैलाब जो है वो इस तरफ उमड़ रहा है, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। लड़ाई का तो 13 महीने का भी नहीं पता था, 13 महीने किसान आंदोलन चल जाएगा। पर यह सरकार इतनी बुरी है, यह किसानों के हित की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। जैसे अडानी हो, अंबानी हो, ठीक है, अमित शाह हो, ये इसकी सरकार है। किसानों के हित की, खिलाड़ियों के हित की, मजदूर के हित की, जवान के हित की ये सरकार नहीं है। सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती जब है। जब इनके सबके साथ सबके विकास में महिलाएं नहीं आती, युवा नहीं आते, किसान नहीं आते, मजदूर नहीं आते, गरीब नहीं आता, तो इनके सबके साथ में आता कौन है? सिर्फ और सिर्फ अडानी के 20,000 करोड़ पर तो ये जवाब दे नहीं पाए। और हर नीति इनकी जो जनता है उसके विरोध में इनकी नीति होती है। तो सबका साथ हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, उस सबके साथ में वो सब है कौन? अडानी को सब लोग माने हुए हैं क्या? अडानी के पेट भरने से पूरे देश का पेट तो नहीं भर जाएगा ना। तो आप क्या कुछ कह रहे थे? ये सबका साथ नहीं, ये सबका साथ सबका विकास कहते हैं, हम कहते हैं सबका साथ सबका विनाश। ब्रजभूषण जी ये सोच रहे होंगे पब्लिक कम है, ये पारा है, पारा जो उसके थर्मामीटर के अंदर होता है, एक एक आदमी पारा है। जैसे पारा हाथ से गिरा, एक में से चार मल्टीप्लाई पब्लिक होगी, कहाँ बिल्कुल होगी। अभी भूल में ना रहे ब्रजभूषण जी,
कि ये कम है, ये तो एक एक आदमी पारे की तरह आया हुआ है, जिसके पीछे बहुत बहुत संगठन है, बहुत बहुत लोग हैं, बहुत बहुत पब्लिक हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं अभी काबू में आ जाए, उसकी समझ में आ जाए किसको छेड़ रहे हैं, वो सांप के मुंह में हाथ दे रहा है, बचेगा नहीं। इतना बड़ा खिलाड़ी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो किसी अपना टाइम यहाँ पर खोटी करने के लिए तो यहाँ पर आंदोलन में नहीं बैठेगा, तो कुछ ना कुछ तो उनके साथ गलत हुआ है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इसको जातीय रूप देना, खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती है, खिलाड़ी होता है भारतीय, और भारत के लिए जो अपना मेडल लाए, तो खिलाड़ी को कृपया जाति से न जोड़े। आप एक कमेटी बनाइए, जांच तो करिए, आप उस पर जिस पर 40 से 80 मुकदमे दर्ज हैं उसको आप निर्दोष सिद्ध कर रहे हैं, और जो खिलाड़ी जो भारत का प्रतिनिधित्व करके भारत को जो है स्वर्ण पदक दिला रहे हैं, भारत का नाम उस विश्व के मानचित्र पर सुनहरे अक्षरों में अंकित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन खिलाड़ियों को गलत साबित मत करिए। राजनीति कर रहे हैं, विपक्षियों की साजिशें हो रही है, आप इसको विपक्ष कैसे कह सकते, तो खाप कल्चर है, खाप तो हमारा जो है स्वाभिमान है, हमारा शौर्य है, आज खाप हमारे यहाँ आई है, तो खाप जब जिस चीजों में आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो विषय बड़ा संवेदनशील है, और मुझे उम्मीद है कि हमारी खाप आ चुकी है, और हमारी खाप आ चुकी है तो इनको जब बिल्कुल न्याय मिलेगा, और हमारी खाप और हम सारे और हम सभी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र स्टूडेंट यूनियन अपने पहलवानों के साथ है, और बिल्कुल न्याय होगा, और हम बिल्कुल अपने पहलवानों के साथ खड़े हुए। छात्र पहुंच रहे हैं, किसान पहुंच रहे हैं, खाप पंचायतों के जो नेता है वो पहुंच रहे हैं, एक नेता, आप ताऊ क्या कुछ कहेंगे ये बताइए। ताऊ तो जिस चीज का 100 साल से इंतजार कर रहा था वो होने जा रही है, हमारे देश में दुर्गा जाग गई है, दुर्गा जाग गई है, लक्ष्मी बाई ने जन्म ले लिया है, और जो यहाँ पर जो टुकड़े टुकड़े गिरोह काम कर रहा था, जो मानवता को बांट रहा था जाति में धर्म में, आज उसको इस मंच पर इकट्ठा करने के लिए देवी स्वरूप हमारी इंटरनेशनल पहलवान लड़कियाँ यहाँ पर बैठी है। अब देखना कि जो ये लुटाई हो रही थी, हमारा देश तो उस प्रवृत्ति का है, उस कल्चर का है, ये तो 5 साल में ये सोना उगलने वाला है, इसको कहते थे सोने की चिड़िया, जो इन दुष्टों ने अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद ये अंग्रेज हो गए, काले अंग्रेज आ गए। अभी आप कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वो देश को बांट रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है यहीं पर टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं देश के, कह देते हैं शाहीन बाग बनाया जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं इस प्रदर्शन पर भी। अरे ये जो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गिरोह या गैंग, ये ही तो है, यही तो जाति में बांटते हैं, यही तो कहते हैं कि ये तो एक स्टेट के बच्चे हैं, ये तो एक अखाड़े के बच्चे हैं, ये तो एक परिवार के बच्चे हैं। इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको जागृत किया है, उसको माना है, विश्व पटल पर तिरंगा लहरा करके राष्ट्रगान गा करके इन्होंने हमको एक वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार, धरती एक परिवार का नारा साकार किया है, और वो कहते हैं कि कुटुंब से हैं, एक परिवार से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर तमाम खाप पंचायतों का जो एक एक बंदा जो है वो प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कई महिलाएं देख रहे हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है, आने वाली 16 तारीख के लिए भी चेतावनी दे दी गई है, तो आप लोग इस बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।